أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا الصيام كما كتب على الذين كما كتب على قبلكم لعلكم تتقون على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. حسبه بدان طال عتيه والليل الله 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 जीना रहमत है
उम्मत की और राहाने शरीयत के कबूल फरमाएं, आपकी खुश इल्हानी में मजीद इजाफा फरमाएं। नाज़रीन मोहतरम, आज 21 रमज़ानुल मुबारक है, जहां एक तरफ ये एहसास हम पर गालिब है कि रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना अल्लाह सुबहानहु व तआला की अपने बंदों पर इनायात और बेपनाह रहमतें लिए ये महीना तेज़ी से अपने इख्तिताम की जानिब जा रहा है, वहीं आज का दिन हज़रत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से ख़ास है। और यूं कि आज ही के दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी तारुफ के यकीनन मोहताज नहीं हैं। आप हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाज़ाद भाई और दामाद हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाबुल इल्म फरमाया। हदीस मुबारका का मफहूम है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। नाज़रीन मोहतरम, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाकिब, आपके फ़ज़ाइल, आपकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि मुझसे कम इल्म कतन अपनी यह हैसियत और औकात नहीं पाता कि मैं इस पर गुफ्तगू कर सकूँ, बल्कि ये बात करते हुए तो मुझ पर यह एहसास भी गालिब है कि मैं तो शायद इस काबिल भी नहीं कि इतनी पाक और मुतबर्रिक हस्तियों का नाम भी अपनी ज़ुबान से अदा कर सकूं। बस अल्लाह की जनाब में यही गुजारिश करता हूं कि अल्लाह ताला अपने इन प्यारे बंदों की अपने इन प्यारे बंदों के लिए जो हमारे दिलों में मोहब्बत है, उस मोहब्बत को कबूल फरमा ले। हमारी गुस्ताखियों को, हमारी बदामालियों को, हमारी बदामालियों से सरफ़ नज़र करते हुए बस सिर्फ और सिर्फ हमारी इसी मोहब्बत को, हमारे शौक़ को अपनी जनाब में कबूल फरमा लें। नाज़रीन, हम आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाकिब व फ़ज़ाइल और उनकी शख्सियत के हवाले से। हमने अपने आज के इस प्रोग्राम में जिस मारूफ़ हस्ती को दावत गुफ्तगू दी है, वो यकीनन किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आप प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट इकबाल सेकेंडरी स्कूल मुल्तान के मारूफ, मैं तो आपको यकीन कहूँगा कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उस्ताद से बड़ा मोटिवेटर तो कोई हो ही नहीं सकता। यानी आप प्रैक्टिकली मोटिवेटर हैं हज़ारों जिंदगियों को। बल्कि मैं तो जब भी उस्ताद के हवाले से बात करता हूँ, मैं इससे पहले भी अपने प्रोग्रामों में ये कह चुका हूँ कि किसी एक जिंदगी को नहीं बल्कि उस्ताद को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता किया है जो एक फ़र्द के तवस्सुत से दरअसल पूरे ख़ानदान को मुतासिर कर रहा होता है। तो यकीनन प्रोफेसर इनायत अली कुरैशी साहब इस सिलसिले में गुज़श्ता दो दहाइयों से अपना एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं माशरे की मुस्बत तर्ज पर तामीर नौ के लिए। तालीम के साथ साथ तरबियत का और असलाफ के कारनामों से
नौजवान नस्ल को आगाह करने के लिए जो बेड़ा आपने उठा रखा है, आप उसके लिए लायक, आपका पूरा काम उसके लिए लायक तहसीन है। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोफेसर इनायत। सर रमजान मुबारक का आखिरी अर्सा, जैसे कि मैंने अर्ज किया, हमसे रुखसत हो रहा है और जी चाहता है कि इन कैफियात के हवाले से भी गुफ्तगू की जाए। और मौजू जो है आज हमारा वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौलाए कायनात, उनकी शख्सियत के हवाले से आज उनका यौम विसाल है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस मौजू पर जो है वो हमारे नाज़रीन के इल्म में इजाफे का बाइस बने और इल्म के साथ साथ शौक की तरवीज का भी बाइस बने। बहुत शुक्रिया जनाब रूहान दानिश साहब, मैं आपका इंतहाई ममनून हूँ कि आपने माह मुकद्दस में मुझे अपने यहाँ दावत दी और ये मौका फराहम किया कि हम आपस में बैठकर आइडियाज शेयर करें। और क्योंकि इल्म जो है ये मोमन की मिरास है और इल्म जो है ये हासिल करना चाहिए। मैं आपसे इल्म हासिल करता हूँ, आप मुआशे से यकीनन इल्म हासिल करते होंगे, हम में से हर शख्स कहीं ना कहीं से इल्म हासिल कर रहा है और हर वक्त जुस्तजू में लगा हुआ है और होनी भी चाहिए। हाँ, और इल्म की जुस्तजू होनी चाहिए क्योंकि ये जो कॉग्निशन डेवलपमेंट है इसका ताल्लुक इस नॉलेज के साथ ही है, इल्म के साथ है। आप अभी फरमा चुके हैं हजरत अली करमल्ला वजह के बारे में, आपने फरमाया है कि आ हजू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। तो एक निस्बत कैम हो गई है इल्म की कि इल्म का जो शहर है उस शहर में दाखिल होने के लिए पहले इल्म के दरवाजे से दाखिल होना पड़ेगा और इल्म का जो दरवाजा है वो तो वैसे ही इल्म का मंबा है और इल्म परवर है, इल्म देने वाला है, इल्म लेने वाला है, इल्म बांटने वाला है। और जो इल्म का शहर है वो ये कह चुका है कि इल्म हासिल करो महद से लाहत तक, यानी कि इल्म का दरवाजा और इल्म का शहर ये दोनों ऐसी शख्सियात हैं जो हमें एक दर्स दे रही हैं, एक सिम की तरफ गामजन कर रही हैं कि इल्म जो है, नॉलेज जो है, इसका हासिल करना बहुत जरूरी है। और जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है हमारी जो है ये वकूफी नशोनुमा नहीं होगी, ये कॉग्निशन डेवलपमेंट नहीं होगी। आपकी इजाजत से आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि ताल्लुक है इल्म के शहर और इल्म के दरवाजे के दरमियान में कैसी जबरदस्त निस्बत है, मुझे अभी जहन में आया, कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं एक प्रोग्राम जो है वो देख रहा था यूट्यूब से, तो उसमें मौलाना कौकब उकाड़वी जी, मौलाना कौकब से एंकर ने सवाल किया आप सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल के हवाले से, तो उन्होंने बात के शुरू में सवाल पर उल्टा क्रॉस क्वेश्चनिंग जिसे कहते सवाल कर दिया एंकर से, कहने लगे कि जी सीखने सिखाने के अमल को क्या कहा जाता है। तो उस खातून एंकर ने जवाब दिया तालीम। तो मौलाना फरमाते हैं बिल्कुल दुरुस्त, कहते हैं जी अब इसमें से इसकी शुरू वाली ते और आखिर वाली मीम उड़ा दें तो बाकी क्या रह गया, तो बाकी अली, यानी लफ्ज तालीम के अंदर अली मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है, कितनी खूबसूरत एक वो जिसे कहते हैं कि निस्बतें हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से, जबान नबूवत से हजरत अली रजी अल्लाह तआला को फरमाया गया कि वो दरवाजा है इल्म का, तो वो लफ्ज तालीम जो अरबी में भी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है सीखने सिखाने के लिए, उसका उस लफ्ज का जुज है अली का नाम। देखिये तालीम और इल्म दोनों में ऐन जुड़ा हुआ है,
इल्म ऐन से शुरू हो रहा है और तालीम ते के बाद ऐन आ रहा है, तो अली भी ऐन से है। मैं ये बताऊं, ये जो लर्निंग प्रोसेस है ना, ये जी जिसे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं जी, आलम कायनात में सबसे बड़े जो मुअल्लिम है वो मुअल्लिम इंसानियत है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिम। और जब वो अजीम मुअल्लिम है तो जाहिर है जो अजीम मुअल्लिम होता है वो खुद अपने आप को शहर करार दे रहा है, बेशक कोई शक कि मैं एक शहर हूं और उस शहर के अंदर जो है हर किस्म की कम्युनिटी होती है और हर एज के लोग होते हैं, लेकिन उस शहर में दाखिल होने के लिए आपको किसी दर से गुजरना पड़ता है, बेशक किसी दरवाजे से गुजरना पड़ता है, कोई ना कोई बुनियाद होती है, कोई ना कोई यानी कि एक पॉइंट होता है जिसे आप क्रॉस करके अंदर आती हैं। जिस तरह मैं इस आपके इस चैनल में आया हूं तो मैं इस दरवाजे से गुजर के आया हूं, फिर आके मैंने ये तमाम चीजें ऑब्जर्व की है। तो अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑब्जर्व करना है, उनकी शख्सियत को परखना है और उनकी जो जितनी डायमेंशंस हैं उन्हें आपने किसी कसौटी में परखना है तो पहले आपको उस दर से गुजरना होगा, फिर आप उस कसौटी को पे पूरा उतरेंगे। अच्छा, अब आप ये देखिए, जी जाते हुए मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है जी, मैं चाहूंगा हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह तआला के फजाइल के हवाले से आप थोड़ा सा रोशनी डालें हमारे नाज़रीन के लिए, खास तौर पर नौजवानों के लिए, कि मैं ये समझता हूँ कि आमाल से पहले ना ये मोहब्बतें जो है ना, मोहब्बतें ही हमारा असासा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी इस गुफ्तगू के तराजिर में देखने और सुनने वालों की आज मोहब्बत जो है वो उसकी तजदीद हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से जो मोहब्बत है, नाज़रीन मोहतरम इस मौजू पर गुफ्तगू मजीद भी जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, ये प्रोग्राम नवाए रमदान आरपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से और स्टैक ग्रुप ऑफ कॉलेज मुल्तान के तआवुन से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक की इन खूबसूरत घड़ियों में और अफ्तार के इन कबूलियत दुआ के औकात में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी दुआओं में हमें, हमारे इदारे को, उम्मत मुस्लिमा को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला इस माह मुबारक के तवस्सुत से हमारे मुल्क पर, हमारे लोगों के हालात पर अपना खसूसी रहम व करम अता फरमाएं और हम एक दुरुस्त मंजिल के मुसाफिर हो जाएं। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में 21 रमज़ान मुबारक की मुनासबत से हम गुफ्तगू कर रहे हैं हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला की शख्सियत के हवाले से। तो आइए बढ़ते हैं एक बार फिर प्रोफेसर इनायत अली कुरैशी साहब की जानिब। जी प्रोफेसर। देखिए रूहान भाई, बात यह है, ये जो माह मुकद्दस है ना जी, जिसमें कुरान नाजिल किया गया, शाहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इसका आगाज किस तरह हो रहा है। तीन रमजानुल मुबारक को वसाल होता है खतून जन्नत हजरत फातिमतुज़्ज़हरा का, और मुझे यहाँ शेर याद आ रहा है जी, जरूर। वल्लाह बेमिसाल थी शादी बतूल की, बेशक बेशक वल्लाह बेमिसाल थी शादी बतूल की, बेटा खुदा के घर का था बेटी रसूल की। वाह वाह, क्या बात है, मौलूदे काबा की तरफ आपका इशारा है शेर में। तो हजरत अली करमुल्लाह वजहो तो काबा के अंदर पैदा हुए, और जितनी खुशी रजब के माह में आपकी वलादत पे मनाई जाती है उसका आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। ये अजीब यानी ये समा होता है आपकी, यानी कि उन सालगिरह मनाई जाती है, खुशी मनाई जाती है,
ये जो वो कहते हैं ये अपना शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो आप शहीद हैं और आपकी जो हयात जो है वो एक कौम की हयात है, उसमें सबक है। देखिए बहादुरी, मैं चाह रहा था कि आप ये गुफ्तगू जरूर मुकम्मल करें, लेकिन वो शेर एक दफा पहले पढ़ दीजिए, दोबारा पढ़ दीजिए। वल्लाह बेमिसाल थी शादी बतूर की, क्या बात, बेटा खुदा के घर का था बेटी रसूल। सुभान अल्लाह, बहुत खूब जी। तो एक और आपको अब आया है तो एक और सुना चलें। जरूर जी जरूर। आया हूँ चूम कर दरे सरवर की जालियां, आया हूँ चूम कर दरे सरवर की जालियां, मुझ पे बतौरे खास इनायत अली की है। वाह वाह, बहुत खूब। तो ये अली की इनायत है कि मैं दरे सरवर की जालियां चूम कर आया हूँ। और इनायत अली कुरैशी, आप तो माशाल्लाह, ये तो अभी मैं क्या बताऊं आपको, नाम ही इनायत अली कुरैशी। रोहान साहब के आप तो खुद इल्म दानिश का एक मीनार हैं। जज़ाकअल्लाह सर, और मैं आपसे बहुत सीखता हूँ। अल्लाह, मैंने तो पहले कहा है कि ये जो लर्निंग है ना ये जी जी। ये चल रही है और हजरत अली करम अल्लाह वजह का जो फैज है वो आज तक जारी व सारी है, लेकिन इसके लिए अकीदत होना जरूरी है। देखे ना, तीन डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कि आपकी जो है ना ये नॉलेज के लिहाज से कॉग्निशन डेवलपमेंट हो रही है, फिर जो नॉलेज आपको दिया जा रहा है उससे आप की यानी कि इस्तेसान हो रहा है, आपको अदराक हो रहा है। अब हम जितना भी इल्म शेयर कर रहे हैं यकीनन इसका अदराक सुनने वालों को होगा, इंशाल्लाह यकीनन। जो लिसनर्स हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, वो जब इस गुफ्तगू को जो हम आपस में कर रहे हैं, जो इल्म शेयर कर रहे हैं, हजरत अली करमुल्लाह वजहों को उनकी शख्सियत को सामने रखते हुए उससे जब उनकी लिसनिंग कब होगी, जब वो उस नॉलेज को समझेंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर बहादुरी है, बहादुरी जो है ये साइकोमोटर डोमेन की उसमें आती है। बहादुर जो है ना जी ये कभी मरा नहीं करता। और आपकी तो मिसालें हैं कि आपने दर्रा खैबर उखाड़ के फेंक दिया, बहादुरी है ना ये, मरहब जिसका कोई मुकाबला नहीं करता था आपने मुकाबला और किया। जी कद काठ में भी वो जी एक जुस्सा जुस्सा ना मिली, वो नामवर ना मिली उस वक्त का अपने वक्त नामवर। तो आपकी बहादुरी जो थे, अच्छा फिर बहादुरी जो है फिजिकली ही नहीं होती। सही कि आपने फिजिकली मैदान में किसी को यानी के जेर किया, बहादुरी ये भी है कि आप अपने गुस्से पे काबू डाल लें। क्या बात है, बहुत खूब यकीनन, ये भी तो बहादुरी है ना। बेशक, बेशक खुद को जेर कर लिया। हाँ, खुद को जेर कर लिया कि ताकत के होते हुए, इख्तियार के होते हुए, कुव्वत के होते हुए आप अपने आप को गुस्से पे काबू पाकर आप जेर कर लें। जब आप यहूदी और आपकी कोई लड़ाई हो रही थी तो उसने आपके चेहरे मुबारक पर थूक दिया तो आपने क्या उसे इना बिली नहीं। क्या बात है, बहुत बहादुरी की सबसे अजीम मिसाल, बेहतरीन। क्या बात है, और फरमाया कि पहले मेरा गुस्सा था वो गैरत ईमानी थी, वो हाँ के लिए था, अब ये पर्सनल, अब ये जाती हो गया। तो ये बहादुरी है, ठीक है ना ये। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो मुझे यहाँ एक छोटी सी बात इसी दरे खैबर के हवाले से सुनाया कि दरे खैबर उखाड़ा, तो मुझे याद है मैं एक किताब का मुतालिया कर रहा था, उसमें पढ़ा कि एक सहाबी फरमाते हैं जिनका नाम महब हो गया, अल्लाह माफ करे, तो इंशाल्लाह वाकिया तो मुसद्दिका है, तो वो फरमाते हैं कि इस वाकये के बाद खैबर के जंग के इख्तिताम पर वो दरवाजा जिसे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तने तनहा अकेले उखाड़ फेंका था, हम बाद में कोई 8 के करीब लोग उसे अपनी जगह से नहीं ला सके। ऐसे आप ये तसव्वुर करें, उस दौर में ये जो अपना बड़े बड़े दरवाजे होते थे वो कितने वजनी होते थे, तो ये तो
बहादुरी है ना जी, और आपने बहादुरी पर कभी मान नहीं किया कभी, यानी कि उस पर अहम नुक्ता है। हाँ जी, कभी उस पर, यानी कि वो भी इंसान के पास कोई भी है, हाँ जी, वो फख्र और गुरूर फख्र नहीं किया। कितनी जंगों में हिस्सा लिया, कितनी गजवात में हिस्सा लिया, कितने नबे अली आपने कुफारान वासले जहन्नम किए, जंगे बदर से आप सिलसिला शुरू कर लें। आप अभी 17 रमजान मुबारक को जंगे योम बदर जी, ठीक है ना जी, योम फुरकान जिसे कहा जाता है, अभी 3 रोज पहले अपना गुजरी है। तो ये रमजान मुबारक का महीना तो वाकयात से भरा पड़ा है। तो 3 रमजान मुबारक को आप देखें, वसाल है नबी हजरत फातिमतुज़्ज़हरा का जी, फिर 10 और 10 रमजान मुबारक को वसाल है हजरत खदीजतुल कुबरा का, मलका जो अपना अरब थी जी, बिल्कुल मुझे उनकी कब्र की जियारत नसीब हुई है। मैं जब जो है वो 15 रमजान को हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह जी, जी हजरत हसन जनाब अली, प्रोफेसर बहुत शुक्रिया। और फिर 17 रमजान को हजरत आयशा उनकी मिसाल है। तो ये यानी महीना जो है ये यानी कि एक दूसरे वाकयात से जुड़ा हुआ है। योम बाबुल इस्लाम, 10 रमजान मुबारक, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इनायत अली कुरैशी साहब। नाज़िर मोहतरम, आपने गुफ्तगू सुनी हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन के फजाइल, उनकी शख्सियत के हवाले से। मैंने जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में अर्ज किया कि ना तो मेरे पास ऐसे अल्फाज हैं, और मैं प्रोफेसर साहब के मामले में तो यकीनन बहुत ही उम्दा गुमान रखता हूं कि वो इस मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू करने के यकीनन अहल हैं, लेकिन यहाँ वक्त की किल्लत हमारे माने है। तो मैं हम सब की जानिब से, पूरी उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पर अपने पाकिस्तानियों की जानिब से अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज करता हूँ, यही दुआ पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला जो हमारी ज़बान से तेरे प्यारे बंदों का जिक्र खैर हुआ है तो इसे हमारी जानिब से कबूल फरमा ले। हमारी इन मोहब्बतों को, हमारी इबादत, हमारे रोज़ों की कबूलियत और हमारी बख्शिश का बाइस बना दे।